पाठक, आज मैं आपको मजेदार और मुनफरिद स्टाइल में आमलेट बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, उनमें सबसे पहले जो है वो अंडे आपको चाहिए होंगे, और ये 4 से 5 हम अंडे जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस आमलेट में। और इसके साथ आप आलू जो कटे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, वो इसमें जो है वो 2 से 3 जो है वो आलू हमने काट के रखे हैं, और प्याज हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं और ये भी काट के रखे हैं, इनको भी हम अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हमें जो है वो टमाटर के कुछ पीस मैंने बना के रखे हैं, ये भी अंदर ऐड करेंगे, और सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक मैंने जो है वो काट के रखी है, ये भी इसके अंदर ऐड होगी। और इसके साथ इसमें जो है वो मसाला जात कुछ इस्तेमाल होंगे, उनमें नमक है, काली मिर्च है पिसी हुई, सुरख मिर्च है पिसी हुई, और इसके अलावा हल्दी है, ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा काली मिर्च जो है वो इसमें पिसी हुई जो है वो थोड़ी सी इस्तेमाल होगी, ये चीज़ें जो है वो इस वीडियो के लिए आपको चाहिए होंगी। और इसके साथ साथ जो है वो कुकिंग ऑयल की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आइए हम मज़ेदार आमलेट बना जो है वो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो अंडे जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे, ये 4 अंडे जो है मैं इस्तेमाल करूँगी, ये आपके सामने इसके अंदर अंडे जो है वो मैं डाल रही हूँ, और बड़ा ही मज़ेदार जो है वो आमलेट जो है वो तैयार होगा। और आप ज़रूर जो है वो घर में भी मेरी इस डिश को जो है वो ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको जो है वो नाश्ता बनाने में जो है वो मज़ा आएगा। अंडों को जो है वो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें मिक्सर के साथ। ये अंडे जो है मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें हम बाकी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। आमलेट बनाना हम शुरू करते हैं, इसमें ऑयल जो है वो डालेंगे। ये प्याज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको लाइट सा हमने जो है वो फ्राई करना है, और इसके साथ ही जो आलू हमने काट के रखे हैं वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं, और इनको लाइट सा जो है वो आंच पर हमने इनको थोड़ी देर पकाना है, ये इस तरह से, और 7 से 8 मिनट हमने इनको पकाना है। ये अंडे हमने डाले थे, हम मिक्सर के साथ हम इनको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो अंडे हैं वो मिक्स हो जाए। ये जितना ज़्यादा हम इसको जो है वो अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर झाग बनेगी उतना ही आपका आमलेट जो है वो नरम बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। लाइट फ्राई जो है वो हो गया, अब हम इसको जो है वो स्ट्रेन करेंगे। ये इस तरह से, अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप इसको सिंपल तरीके से जो है वो भी स्ट्रेन कर सकते हैं, यानी कि ये लैदा कर लें और ये इसमें से जो आलू और प्याज है वो लैदा कर लेंगे। देखिए ये जो है वो घी जो है वो लैदा, ऑयल मैंने लैदा कर लिया है, इस तरह से आपने इसको जो है वो साइड पे रख लेना। अब हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जो है 1/2 चम्मच जो है, देखिए मैंने नमक जो है वो लिया है, ये इसके अंदर आपने जो है वो डाल देना है, और थोड़ी सी तकरीबन 1/2 ही चम्मच जो है मैंने सुरख मिर्च जो है वो पिसी हुई ली है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च पिसी हुई इसके अंदर आप ऐड करेंगे। हमारे यहाँ चूँकि जो है वो खाने जो है वो थोड़े से स्पाइसी पसंद किए जाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो मिर्च वगैरह तेज़ या कम जो है वो कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हल्दी जो है मैंने अंदर कलर के लिए जो है वो ऐड की है, और ये गरम पिसा हुआ मसाला है मेरे पास, ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको शामिल करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आप इसको जो है वो मसालों को अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर देना है ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से जो है वो अंदर चला जाए। इसके साथ ही जो हमने ये स्ट्रेन करके आलू और प्याज जो है वो रखा हुआ है, ये इसके अंदर जो है वो ऐसे ऐड कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब ये कटी हुई सब्ज मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है आपने, और इसके साथ ही ये टमाटर है कटा हुआ, लेकिन ये मैं 1/2 जो है वो इसके अंदर शामिल, तकरीबन 1 टमाटर जो है वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ।
अब आपने इसको अच्छी तरह से इसको दोबारा से जो है वो मिक्स कर देना, ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से आपका ये जो आमलेट जो हमने बनाना है उसका जो मिक्सर है वो अच्छी शेप में जो है वो तैयार हो चुका है, और अब हम आमलेट बनाने के लिए जो है वो रेडी हैं। अब हम फ्राई पैन जो है मैंने दोबारा जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा है। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हम ऑयल जो है वो इसके अंदर डालेंगे और आमलेट जो है वो इसके अंदर बनाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है ऑयल हमारा, तो इसके अंदर जो है वो हमने जो मिक्सर बना के रखा हुआ है उसको जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है वो गर्म होने दें। वो ऑयल देखिए गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर हमने ये जो मिक्सर बनाया हुआ है इसको हमने ऐड कर देना है इस तरह से। और हमारी जो नीचे आग है वो मैंने बिल्कुल स्लो जो है वो हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है, पकाना है इसको इस तरह से। अब इसको हम ऐसे जो है वो अपने स्पून की मदद से, अपने चम्मच की मदद से इसको हिला देंगे। ऐसे आपने इसको हिला देना है अच्छे तरह से। ये देखें आपके सामने जो है ये पूरे पैन में जो है हमने इसको जो है वो ये हिला दिया, और साइडें जो है वो इसकी इस तरह से आपने करते जाना है, और ये हल्की आंच पे इसको जो है वो पकाएंगे हम। ये हमने जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है पकने के लिए। अब 5 मिनट के लिए हम इसके ऊपर यूं जो है वो ढक्कन लगा देंगे, और देखिए इसके जो तमाम अज्जा है वो अंदर से हमें नज़र भी आ रहे हैं पकते हुए, और हल्की आंच पे हमने इसको 5 से 10 मिनट जो है वो पकाना है। ये देखें एक साइड जो है इसकी हल्की सी पक चुकी है, ये जो है वो एक दफ़ा मैं इसको हटा के भी देख लेती हूँ। ये देखें ये इजीली जो है वो मूव हो रहा है। अब हमने इसको जो है वो प्लेट में जो है वो पलटना है। यूँ प्लेट जो है वो रखेंगे और इसको जो है वो हमने ऐसे पलटना है, और हमारा जो आमलेट है वो दूसरी शेप में हमारे पास वापस आ जाएगा। ये देखिएगा करके हम इसके अंदर जो है वो यूँ देखिए इस तरह से इसकी ये शेप जो है हमारे सामने आ गई है। और इसके बाद हम दोबारा जो है इसकी दूसरी साइड जो है वो फ्राई पैन में पकाएंगे। दोबारा से मैंने जो है वो चूल्हा जला लिया, और इसके अंदर अभी घी जो है वो लगा हुआ है, तो यूँ इसके अंदर दोबारा हमने इसको जो है वो ऐसे ऐड कर देना है इस तरह से। आराम के साथ आप इसको जो है वो दोबारा प्लेट में जो है वो पलट देंगे। देखिए बहुत जो है वो अच्छी शेप में हमारा जो मज़ेदार और मुनफरिद स्टाइल में आमलेट जो है वो तैयार हो रहा है। और इस दौरान आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है बिल्कुल आपका स्लो होना चाहिए पहले की तरह। और ये पहले जो है वो तकरीबन एक साइड इसकी कुक हो चुकी है, और अब हम इसको 5 मिनट सिर्फ जो है वो ऊपर रखेंगे, और इस तरह लिड जो है वो ऊपर रख देंगे दोबारा। और ये देखिए जब 5 मिनट हम इसको और मज़ीद रखेंगे। अब मैंने आग जो है बंद कर दी है, ये 5 मिनट में जो है वो दूसरी साइड भी पक चुकी है। अब दोबारा से वही प्रोसीजर हम करेंगे, इसके ऊपर यूँ प्लेट रखेंगे और इसको फिर से जो है वो हमने प्लेट में पलटना है। अब इसकी दूसरी साइड जो है वो आपको पकी हुई नज़र आएगी, यूँ आपने करना है और आराम से जो है वो अपनी प्लेट में इसको जो है वो यूँ निकाल लेना है। देखिए बहुत ही अच्छी इसकी शेप जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, और बड़ा ही मुनफरिद स्टाइल में ये मैंने आमलेट बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा पसंद आएगा। इसी दौरान आप मेरी जो चैनल है टेस्ट लवर्स गुजरांवाला के नाम से उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक भी ज़रूर करना है जी। अब ये जो है हम आपके सामने जो है मैं इसकी थोड़ी कटिंग करूँगी, और ये देखें इस तरह से आपने इसके पीस कर लेने हैं, और आप अपने बच्चों को जो है वो इसको केचप के साथ भी जो है वो सर्विंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको पराठे के साथ खाना हो तो देखें ये इसकी जो है वो ये शेप जो है वो इस शेप में सारा आप जो है वो काट लें, और इसको केचप के साथ जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो हमारा मुनफरिद स्टाइल में आमलेट तैयार हुआ है।